बहुत ज्यादा परेशान हो गया, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो कैसे काम पर आएगा। पुनीत के लिए हैप्पी मील ले लिया है। अच्छा ये तो मेरे को वो लग रही है गन, ये डोरेमोन है, हम इसको ऐसे रखेंगे। चलो चलो चलो। तो गाइज एक बार चेक करो बनी की आईज, पता नहीं आप में से काफी लोग हैं जो देख नहीं पा रहे होंगे इसको बेचारे को। हमारा सोचो क्या हाल हो रहा होगा। देखो इसकी आईज में गाइज, मैं अगर सच बताऊं ना तो कोई इम्प्रूवमेंट मेरे को लग नहीं रहा लास्ट 1 वीक से। डॉक्टर ने बोला था कि अभी 1 वीक बाद लेके आना, तो अब 1 वीक बाद इसको लेके जा रहे हैं और मूड मेरा बहुत ज्यादा खराब है, मतलब कुछ भी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा। और इवन के इसकी आईज रात को थोड़ी सी बाल, अब डॉक्टर देख के बताएगा क्या पता उसके। मुझे तो लग रहा है कि है स्लो है लेकिन रिकवरी है आगे का। हरप्रीत को लग रहा नहीं है, पता नहीं मेरे को समझ में ही नहीं आ रही बेचारा। वो पैन पैन के ना इतना ज्यादा परेशान हो गया, उससे बड़ा दुखी हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अब तो दुखी हो गए हम यार, इतना मतलब हमने हिम्मत बांधी हुई थी अभी तक, पर अब ना अब खत्म हो रही है कि यार ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। हाँ। ये कॉलर और इसकी पेन खत्म हो जाए ना। हाँ, पेन खत्म नहीं हो रही थोड़ी। हाँ। एक दिन ठीक होता है, अगले दिन फिर पेन होती है, पेन किलर देनी पड़ती है इसको। तो अब हमने एक वो मेडिसिन जो मैंने बताया था आपको, वो हमने ली थी जो वहाँ यहाँ पे खत्म हो गई थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ से किसी लोकल केमिस्ट से ले लेते हैं। हमने ली तो उसने दूसरे सॉल्ट वाली दे दी, पता नहीं उसकी वजह से हो रहा है वो, मेडिसिन सही नहीं है या क्वालिटी वाइज सही नहीं है क्या है पता नहीं। पहले इम्प्रूवमेंट हो रहा था इसमें, अब इसका हो ही नहीं रहा कुछ भी, समझ ही नहीं आ रही है। अब छोटा सा बच्चा इतना परेशान है, तो चलो अब डॉक्टर के पास लेके चलते हैं और देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है, फिर आपको बताते हैं। वो खुद कितना दुखी हो रहा है, कितना मुश्किल है ब्रॉडी से बचा के रखना हर टाइम पे, इसको खेलने ना देना, वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं पा रहा। हाँ और गाड़ी में बैठ के वैसे ही कमला हो जाता बेचारा। और अभी ना हरप्रीत कंफ्यूज हो गया, मैंने इससे खूब सारी बातें करी थी ये कंफ्यूज हो के कह रहे किससे बोल रही है। एक व्लॉग बनाने वाला था, मेरी गोटी कमली होगी। हाँ जी क्या पाऊं पाऊं कर रहा है ये, रोने क्यों लग गया था ये, इसको पता चल गया यहाँ तो। गाइस अभी हम यहाँ पहुँचने वाले हैं तो ये रोने लग गया, बदतमीज जानवर वाला इंसान। बनी तू सुधर जा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। मम पियो पहले। देखो 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 एक्साइटमेंट है, पानी दे यार। बनी वाटर वाटर। हाय मेरा पिल्ला प्यासा था। तूने सही ड्यूटी लगाई हुई है हमारी, 1 घंटा तेरे को लाने में 1 घंटा जाने में। जो जो डॉग रखने के लिए जिद कर रहे हैं ना पेरेंट्स को, काम देख लो भाई, बच्चों की तरह रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप ला के उनकी लाइफ स्पॉइल करो और खुद भी परेशान हो जाओ। चाय लाऊं तेरे लिए? क्यों गर्मी हो रही है, चाय के लिए मना कर रही है गाइस। अरे ले 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 ले, मैं नहीं पी सकता इसकी चाय, आज मुझे पीनी पड़ रही है, ले ले थोड़ी। ये देखो गाइस पी रही है चाय। देखो कैसे बिल्ली बन गया आते ही। हाँ क्या हुआ, देखो कैसे कांप रहा है गाइस, पीछे से देखो। कुछ नहीं मैं बाबू, कुछ नहीं अभी चल रहे, अभी चलेंगे। साइट का आज तो मैंने पूछा ही नहीं, आँख देखने की तो दूर की बात है। अभी इसको आईज से ना आगे से वो उन्होंने बर्ड से क्लीन कराया, इतना देखा भी नहीं जा रहा था। अब किसी ने CGS गुड़गांव में सजेस्ट किया है, वहाँ भी एक बार सोच रहा हूँ जाके देखाऊँ वो लोग भी क्या कहते हैं, राय लेने में क्या जा रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रेशर थोड़ा आई का बढ़ गया है, स्वेलिंग बढ़ गई है, लेकिन इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी आई में है, मतलब दोनों तरफ हो रहे हैं। हाँ थोड़ी सही थोड़ी दिखा, मैं पिलाऊं, मैं भी पी लूं थोड़ा सा इसमें से। है ना ये रही, आज मैं इतनी टांग टांग के लाई हूँ, ये देखो मुझे खुद को प्यास लग रही है, जा रहा नीचे से चाट रहा पानी। ये कुछ खाते हैं पीते हैं तो हमारी जान में जान आ जाती है। लाओ गुनीत की बोतल से पानी पिए हम। हमने सोचा था थोड़ी देर इस पार्क में जाएंगे और पार्क में जाके बनी के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, रिलैक्स करेंगे, इसको थोड़ा खुला छोड़ने का मन कर रहा है कि थोड़ा सा घूम ले, लेकिन डर भी लगता है झाड़ी झूड़ी कोई आँख में लग जाए कुछ लग जाए। इस पार्क में डॉग्स अलाउड नहीं है, चलो अब चलते हैं घर। हर चीज से डर लगता है, इसका कॉलर उतरा होता ना, लगना जाए। अर्दुमन खाना है कुछ? अब नहीं खाना मुझे, क्यों 3 बार बोली जा रहा है खाना है नहीं खाना। पहले मुझे खाना नहीं था तो 10 बार मुझे गाना गा के खाने की आदत डाली, मतलब बंद कैसे गा के, गाना कैसे? ये ले आऊं खाने के नाम सुना होगा तो बंदे का दिल कर ही जाएगा खाने का। अच्छा एक चीज बोलूंगा तो मना नहीं कर पाएगी, क्या? मैकपफ है खाना है, हमारा कभी खाने का कैंसिल हो रहा है कुछ हो रहा है, तो फाइनली सामने मैकडी दिख गया, मैकपफ लेके आता हूँ मैं। और उसके ऊपर से ना बिना आप खाए खाओगे तो गाइस कमेंट करके बताना, मैं आपके घर पे भी पहुंचाता हूँ जल्दी। हाँ जी बोलो। अगर अब मैंने जबरदस्ती, खैर मैकपफ तो मुझे खाना है, अगर मैं इनको बोलूँ ना कि नहीं खाना घर जाके खाना खाएंगे, फिर इनको सब्जी नहीं पसंद आएगी,
फिर मैं तो खा रहा था बाहर, तू नहीं। मैं तो गाइस आजकल घर का ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बाहर इधर उधर जाना हो जाता है तो कुछ ना कुछ खाना हो जाता है। वाह क्या राइमिंग हुई है, जाना हो जाता है तो खाना हो जाता है उल्टा सीधा। तो अब मैं मैकपॉप तो खा ही सकते हैं। ये बर्गर है उनके लिए और ये पुनीत का हैप्पी मिल, यही रख दूं आगे। पुनीत के लिए हैप्पी मील ले लिया है। अब इसके अंदर क्या टॉय है मुझे भी नहीं पता, घर जाके देखेंगे। और किसको किसको मैकपॉप पसंद है कमेंट करके बताना गाइस, मुझे और सतेंद्र को तो बहुत पसंद है। अब तो मैकेन के भी आ गया ना मैकपॉप, वही तो हम आजकल, मैं दिखा रही थी कल, रोज वही खाते हैं। मुझे आजकल जो भी आता है हम घर में वही बना के देते हैं। मजा आ गया। बनी की ना एक प्रॉब्लम रहती है, बैठता नहीं है, पूरे रास्ते बैठता ही नहीं है, घबराहट होती है इसको, पता नहीं क्या होता है। हाँ बोलो पुनीत। रेड चॉकलेट हम आपके लिए, पता है क्या ला रहे हैं? हम आपके ला रहे हैं हैप्पी मील। हैप्पी मील ला रहे हैं, बर्गर खा लेना, उसमें टॉय भी है और बहुत अच्छा टॉय है। ठीक है वेट कर लो, बस आ रहे हैं थोड़ी देर में। धीरे 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 से वनी नो कैसे पड़ता है सबको। चुप चले ठीक, कैसे रहा पागल ठीक रहा उसके पीछे खड़ा भी नहीं जा रहा उससे, थका हुआ है ना। वेट वेट बनी वेट, पानी पी लो, चलो पी लो। आए मेरा गोजू आ गया, गोजू मिला ही नहीं तो हमसे हैं, तो मिला ही नहीं हमसे चूहे। दिखाओ जरा क्या है हैप्पी मील में, टॉय कहाँ है? बर्गर अभी आ रहा है, टॉय को नहीं दिखाओ एक बार खोल के। ये क्या हाल बना रखा है कुंद, अभी तक टीवी देखी जा रहे हो आप? अच्छा ये तो मेरे को वो लग रही है गन, इसको चला के देखते हैं अभी। और आपका बर्गर दूं खाने? इसमें फ्राइज भी है, फ्राइज खाने? पहले बर्गर खाना लेकिन, और एक जूनी दीदी का भी बर्गर उनको भी दे देना। और टॉय कैसे चलता है लाओ दिखाओ, चला के देखो। आपको पता है? लाओ मैं चला के देखूं। गुनीत क्या कर रहे हो आप, हैंड वॉश है आपके? अच्छा आप तो यही थे, हम गांव आए ना बाहर से। तो पकड़ो इसको ऐसे करो, देखो ये देखो भाई ये ऐसे चलेगा, ये डोरेमोन है, हम इसको ऐसे रखेंगे। देखो गुनीत ये ओ वाव वो स्माइल कर रहा है। हाँ। फिर ऐसे कर रहा है, फिर स्माइल कर रहा है, वाह। ये भी निकल के आ रही है, चौथा हमारा डोरेमोन। बनी को भी भूख लगी होगी, बनी को भी कुछ खाने को देते हैं। तो चलो बनी को भी कुछ खाने के लिए देते हैं और ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मैं थक गया हूँ बहुत और मेरे स्टमक में भी पता नहीं काई की पेन हो रही किस चीज से। और देखो अब देखो क्या बना दे, चाय अब पीनी है मुझे। वहाँ पे मना कर रही थी, वहाँ पे लड़ी है मेरे से, गर्मी धूप में नहीं पीनी थी मुझे चाय। अच्छा आप पीनी है? हाँ। अच्छा अब ठंड हो गई, बर्गर मांग रहा है। अच्छा वो खेलने के लिए मांग रहा है। उन्हीं ये सब मत करो उसके साथ, वो खुद ही आ गया ना, मत करो मत दिखाओ उसको। दो ही ये रखो, यहाँ रख दो अभी, नहीं बनी अभी तुझे कुछ नहीं मिलेगा बाबू। तो चलो गाइस इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबको शेयर कर दो और कर दो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। देखना है क्या देखना है? देखो देखो बेटे और देख ले, दो तीन दिन फिर उसके बाद स्कूल जाएगी। फिर ऐसी बनी को भूख लगी, इसको कुछ खाने के लिए देते हैं।